के नोहटा के पटी शीशपुर गांव में रहने वाले बारीलाल के परिवार को जब से बारीलाल के पाकिस्तान में होने की खबर मिली है वह काफ़ी चिंतित हैं। भाई पदम सिंह आदिवासी ने बताया कि बारीलाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका इलाज जबलपुर में लंबे समय से चल रहा था। मार्च 2017 में घर से बिना बताए वह गायब हो गया था। काफ़ी तलाश के बाद भी बारीलाल का कोई पता नहीं चल सका। बारीलाल के गायब होने की रिपोर्ट भी नोहटा थाने में दर्ज कराई थी। 2017 के बाद से अब तक बारीलाल का कुछ पता नहीं चल सका था। न्यूज़ लाइव एमपी के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। बारीलाल हमारा भाई है जो मानसिक रूप से कमज़ोर था। वह 2017 में घर से भाग गया, का इलाज जबलपुर में करवाया। बारीलाल पिता सुब्बी लाल निवासी शीशपुरा गाँव, ये थाना नोहटा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। इसकी गुमशुदगी 2 साल पहले मार्च 2017 में थाना नोहटा में दर्ज की गई थी और ये युवक तब से गुमशुदा है, अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया है। इसके परिजनों के हिसाब से इसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है और ये 2-3 बार पहले भी अपने घर से जा चुका है। किसी मीडिया हाउस में चला है सर, कहीं बाहर वगैरह पहुँचा है, किसी अन्य देश में पहुँच गया, ऐसी कोई जानकारी सर आपके पास आई क्या? नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं आई है। जरूर लोगों ने पूछा है लेकिन ऑफिशियल कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है इसके बारे में। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।